उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पुलिस बदमाशों के सफाये में लगी है। इसी कड़ी में सोमवार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान खुर्जा पुलिस ने एक 25,000 के इनामी को धर दबोचा है। पकड़े गए बदमाश से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। बहरहाल इस मुठभेड़ के बाद पुलिस गदगद नजर आ रही है। सर, जो आज मुठभेड़ हुई है, कितने का इनाम है इस बदमाश पे, कहाँ का रहने वाला है? आज जो है खुर्जा नगर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी, दो मोटरसाइकिल सवार को देखते हुए उन्होंने रुकने का इशारा किया। उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के फायरिंग की और जिसके फलस्वरूप पुलिस ने भी फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक अंधेरे का फ़ायदा उठा के फसल और जंगल में भाग गया, तथा पता पड़ा कि ये इसका नाम जो है दिशोंदी बाजितपुर का रहने वाला है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम है। ये लूट और गौकशी तथा डकैती में पूर्व में ये जेल जा चुका है और बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, आज ये पकड़ा गया। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? दिशोंदी। कहाँ के रहने वाले हो? बाजितपुर। ताजी का क्या नाम है? सब्बीर। अच्छा, क्या हुआ था अभी? जी, गुलवा के साथ जा रहे थे हम मोटरसाइकिल पे। अच्छा, आगे से पुलिस की गाड़ी मिली, वहाँ पुलिस के साथ में हमारी मुठभेड़ हो गई, मेरे गोली लगी, गुलवा भाग गया। जनपद बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा नगर की पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को चोरी की मोटरसाइकिल और पिस्टल सहित किया है गिरफ्तार। दूसरा कुख्यात अपराधी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। कैमरामैन अदनान के साथ रिजवान, बुलंदशहर, CMN न्यूज़।